दोस्तों, क्या किसी लड़की को आजा आजा कहना यौन उत्पीड़न होता है? मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे ही मामले की सुनवाई की और उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 354D को और भी ज्यादा क्लियर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की। केस का टाइटल है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वाल्मीकि रामदीन पाल केस, और इस केस की सुनवाई जस्टिस AZ खान की बेंच कर रही थी। मामला था पॉक्सो एक्ट का। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस AZ खान ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ ऐसा अपराध किया है जिसके बाद आरोपी के साथ कोर्ट नरम रवैया नहीं अपना सकती, और ऐसा करने के लिए आरोपी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के तहत निर्धारित किए गए प्रोविजन का लाभ नहीं ले सकता। चलिए मामला समझते हैं। मामला ये था कि यहाँ पर जो शिकायत करता है वो पीड़िता की माँ है। पीड़िता एक बच्ची है जो स्कूल जाती थी और प्राइवेट ट्यूशन भी जाती थी। हालांकि आरोपी तब आया जब नाबालिग पीड़ित लड़की साइकिल पर ट्यूशन के लिए जा रही थी। आरोपी उस लड़की के पीछे पीछे आया और लड़की को गंदे तरीके से आजा आजा की आवाजों से पुकारने लगा। फिर उसके बाद उसने लड़की के चारों ओर एक चक्कर लगाया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 354D के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 12 के तहत आरोप तय किए गए। इस मामले में प्रोसिक्यूशन ने ये साबित कर दिया कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की का पीछा किया और उसकी मर्जी के खिलाफ उस पर भद्दे भद्दे कमेंट किए, जो कि आईपीसी के सेक्शन 354D के तहत दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए कोर्ट नरम दिली नहीं अपना सकती और इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाबालिग बच्चे सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और अगर उनके साथ कुछ गलत किया जाए तो वो अपना बचाव करने में भी सक्षम नहीं होते। इस केस में ये साबित हो चुका है कि आरोपी ने नाबालिग लड़की का पीछा किया और उसका रास्ता भी रोकने की कोशिश की, उस पर भद्दे कमेंट किए और आजा आजा कहकर उसे बार बार पुकारा। यहाँ पर जो आरोपी है वो 32 साल का है और उसकी एक पत्नी और 3 साल की बेटी भी है। आरोपी से इस तरह के क्राइम की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इस तरह के अपराधियों के साथ अगर नरम दिली अपनाई गई तो फ्यूचर में वो फिर इस तरह के अपराध करेंगे। इसलिए आरोपी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के तहत निर्धारित किए गए प्रोविजन का हकदार नहीं होगा। इसलिए कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी के सेक्शन 354D और साथ ही पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 12 के तहत सजा सुनाई। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।